हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यशी, हैप्पी बर्थडे टू यू. दीदी को खिलाओ दोनों को. दीदी का तो हाउ विल आई ईट, कैमरा भी होल्ड करूं. हाँ सब बच्चों को भी खिला दो इसमें मोबाइल में. हेलो हेलो पार्टी में सबका ड्यू है. हेलो आंटी, सबको ऑडियो ऑन है, मेरे दिख रहा है. हे गाइस, सो टुडे इज माय बर्थडे, सो वेलकम एंड फर्स्टली विश मी हैप्पी बर्थडे. सो वेलकम टू समाया स्टाइल्स. एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे या अकेली क्या कर रही है. सो टुडे इज माय बर्थडे और हमने हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया है. सो ऑन पब्लिक रिक्वेस्ट आज हम लोग व्लॉग कर रहे हैं. सो केक यहाँ पे है गाइस. समीक्षा, तो सारा केक का क्रेडिट मिस समीक्षा को जाता है. सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी सच ब्यूटीफुल केक. एंड मम्मी मम्मी टू, मम्मी ने केक सुबह सुबह बनाया. थैंक यू. यस, इट इज आइसिंग डन बाय मी. ओ कोई नहीं गाइस. सो दिस वाज द होल सेलिब्रेशन पार्टी दैट वी ऑर्गेनाइज्ड. हे गाइस, सो अभी हम लोग कर रहे हैं डिश और डैट. एंड मैंने बहुत सारे राउंड्स बनाए, सो दे हैव टू गो थ्रू इट और पता चलेगा कि मेरी फैमिली मुझे जानते भी है या नहीं. लेट्स गो. सो फैमिली, क्या आप रेडी हो? या जोर जबरदस्ती ये टास्क कराया जा रहा है जबकि हम लोग बहुत करते हैं. वी टू, इट इज अ वर्सेस वीडियो, तो मैं देखूंगी कि मेरी बहनें मुझे जानती है या मेरे मम्मी पापा. सो अभी फैसला होगा हु लव्स मी मोर, माउंटेन्स और बीचेस. लिखना है क्या? हाँ, मतलब क्या होता है इसको, माउंटेन ज्यादा पसंद है या बीच? आप लोग डिस्कस करके लिख सकते. ओके, तमाम पापा का आंसर हो चुका है. आई थिंक ओके, ठीक है, तो लोग तुम्हारा रहते. ठीक है, ठीक है, तो मिली थी बच्चा आंसर, पापा बच्चा आंसर. बीचेस. सो बोथ आर रॉन्ग. मैंने माउंटेन लिखा था, देखो माय आंसर इज माउंटेन. मैं मिली के साथ नहीं लोकेशन और कर दी. बट गाइस दैट्स अ ट्रूथ कि मेरे को पीस बहुत पसंद है. सो आई मैंने माउंटेन लिखा था. रॉन्ग. व्हाइट. मैं जीती हूं. मैं दोनों आप लोग टाई टाई ऐसे टाई टाई. नो नोबडी गॉट अ पॉइंट. आप लोग दोनों डिस्कस करके बोले. हमने डिस्कस किया था इधर माउंटेन था बीच था, हमने कर डिस्कस. तो अपना आंसर दिखाते. ओके, सो गाइस अभी मैं एक इजी क्वेश्चन पूछती हूं ताकि इन लोग का खाता खुले. व्हाइट्स और ब्लैक्स, ये सबको पता होना चाहिए वरना इस व्लॉग में आने का कोई मतलब नहीं है. मतलब नहीं, हमें तो मतलब ऐसे भी नहीं है. मम्मी एक सेकंड रुको, मम्मी पापा दोनों एग्री करते हैं. आपका क्या आंसर है? ब्लैक. व्हाइट. एक ब्लैक, एक सेकंड बाद बता. पापा आप लोग दोनों सोच लो किसका आंसर लिखना है. ब्लैक. या ब्लैक. सो दोनों को एक एक वर्ड मिल जाता है. मेरा फेवरेट कलर ब्लैक. क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड. पिज्जा और पास्ता. ओके, हाँ आप लोगों ने लिखी है. And guys, this answer is correct. Pizza. Answer is pizza. Pizza. Like pizza. Papa ने pasta लिखा pizza. हमने discuss करके write किया. नहीं नहीं, मैंने record किया है कि उन लोग ने discuss किया. मम्मी ने कहा यश्वी को pizza ज़्यादा पसंद है. Okay. So two two. Two two. Okay. और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है मेरे पापा हार जाएंगे. आई थिंक सो. व्हाट डू आई प्रेफर मोर, कॉल्स और टेक्स्ट? टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा अच्छा लगता है या कॉल करना ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे पता ही नहीं है, मैं जानता हूं उसका आंसर. ये इसका आंसर है. अब आपका आंसर टेक्स्ट. टेक्स्ट थ्री थ्री, क्योंकि अभी आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा मेरे पास सिचुएशन है कि मेरे को एक ऐसी जगह में रहना है जहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर्स हो या एक ऐसी जगह में रहना है जहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स हो, मैं कहाँ जाऊँगी? एंड ये आंसर मैंने जान पूछ के चुना क्योंकि मेरे को पता सबका ऑब्वियस आंसर क्या आएगा. दिस
मम्मी पापा का क्या आंसर है? स्पाइडर। मैं उस रूम में जाऊंगी जहाँ स्पाइडर है, आपका क्या आंसर है? दोनों का रॉन्ग है। आप लोग दोनों को नहीं पता मेरी स्पाइडर से फटती है। मैं सांप बड़े पसंद है। सांप पसंद है तुमको? मैं सांप के साथ रहूंगी बट नॉट स्पाइडर। लेके आते एक कॉबलेस एक रैकेट दिखाते हो बेटा। मरना अलाउड है, स्पाइडर के साथ नहीं रहती मैं। नेक्स्ट, व्हाट डू आई प्रेफर, डेरी मिल्क, किटकैट, नटीज और फाइव स्टार? दो आंसर लिखने हैं। एक डेरी मिल्क, किटकैट, नटीज एंड फाइव स्टार। ये नहीं है कि मुझे मैं क्या खाती हूँ, द क्वेश्चन इज मुझे पसंद क्या है, मतलब इन चारों में से एक को चूज करना। यस, मैंने लिख दिया। मैंने ये क्वेश्चन रात में पापा के साथ डिस्कस भी किया था। आई थिंक ही शुड नो द आंसर। इनका आंसर आपको दिख ही रहा होगा जो सही है, मुझे पता है। गाइज, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए कि दोनों के आंसर बिल्कुल गलत है। सही है, नटीज एंड टेक डाउन नटीज। अपन नीचे डेरी मिल्क है। नटीज मम्मी का आंसर है, मेरा नटीज है। नो, लास्ट आंसर इक्वल्स टू फाइनल आंसर। सो मैं क्या ज्यादा प्रिफर करती हूँ, टोस्टेड ब्रेड जो तवे पे सिकता है या फिर ब्रेड विथ नटेला? इसका आंसर आई थिंक ना जस्टिन दीदी को पता होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे को पता दोनों का आंसर गलत आएंगे। ब्रेड विथ नटेला, सो बोथ आर करेक्ट। शॉकिंग। फर्स्ट राउंड इज टाई। ओके, नो, मॉर्निंग और नाइट? क्या मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन। दिस इज ए इजी वन, वो था करेक्ट, क्योंकि मेरे नाइट में इन दोनों के साथ सबसे स्वीट मेमोरीज है। सो डेफिनेटली प्रिंगल्स और लेस। मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या खाती हूँ वो नहीं, मेरे को पसंद क्या है जो मैं जिद कर करके लेती हूँ। मैं जो कहूँ मानना जरूरी है क्या? मैं तो दिन भर लेस ही खाती हूँ। आंसर इज लेस। एक साल से मैंने प्रिंगल्स को खाया ही नहीं है। जब टाई हो गया, अब मैं प्रिफर करती हूँ कि कोई जीतो या कोई तो हारो। ओके। हाँ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज माय फेवरेट एक्टर? आंसर इट्स ए इजी वन। मतलब आंसर है, हम लोग खुद को लिखना है। एक्टर तो कोई भी हो सकता है ना। अरे लाइक्स एक्टर बोले, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बोले। विराट कोहली लिख रहे थे ना पापा। I expect a good answer from पापा। अरे वो कल वाला मूवी में आया था, सुशांत क्या नाम है उसका? आयुष्मान। नहीं 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 नहीं, और एक था मेरे को पता है, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन रखा था ना उसने कौन सा मूवी में? मेरे को पता है कल कौन सा पिक्चर। आई वांट टू गिव दिस पॉइंट टू पापा, क्योंकि पापा का आंसर सही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। मेरा कोई फेवरेट, वेट, लेट मी कन्फेस, वेट वेट वेट, दैट्स ट्रू, आई डोंट हैव एनी फेवरेट एक्टर, बट द थिंग इज आई लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा बिकॉज ही इज वेरी क्यूट। एंड ऑफ द डिस्कशन। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस? फिर झूठ बोल दोगी तुम तो? नहीं, इस बार तो मेरा सच होगा। आई स्टॉक हर वेरी मच एंड देयर इज द करेक्ट आंसर। हाय, हमें लिखने दो। वो तो मेरे को बदल। अच्छा तो ये होगा फिर। मुझे तो इसी पे डाउट है। आई कांट स्टॉप। दीदी डबल ही है। ठीक है, डबल ही है। बोथ गेट्स पॉइंट। माय फेवरेट एक्ट्रेस इज दीपिका पादुकोण। ओके। मेरे अभी तक क्लोजेट में, मतलब मेरी जो छुटकू सी अलमारी है, कोई छुटकू नहीं है, तीन लोगों की अलमारी तुम हड़प के रखी हो। अच्छा ठीक है, मेरी जो भी अलमारी है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा कौन से कलर के क्लोथ्स है ये मैंने गिने हैं आज, इसी राइट टू दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो, लाने वाली मैं, मुझे तो पता ही होगा। ओएमजी, दिस इज अनएक्सपेक्टेबल। दोनों के आंसर सही है। तुझे कपड़े तो मैं लाती हूं ना। तमाम, कोई बात नहीं, हो जाते कभी। माई फेवरेट कलर एक्सेप्ट ब्लैक एंड ब्लू,
दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता ब्लैक एंड ब्लू के अलावा मुझे क्या पसंद है। अब मैं जाके रिजल्ट अनाउंस करती हूँ। जहाँ तक मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं वाइट सबसे लीस्ट प्रेफर करती हूँ। सो दैट्स सो फॉर श्योर कि पापा लोग तो हार चुके हैं। एंड द थिंग इज दीदी का बहुत ही तुक्का लग गया। जो सबसे पहले लिखेगा वो जीतेगा। तीनों का एक साथ आया पिंक रेड येलो, वहां चलते हैं रेड पिंक व्हाइट। गाइस द ट्रूथ इज कि इन दोनों के आंसर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही भी है एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गलत भी है। सो येलो मुझे पसंद है और व्हाइट भी मैं कम प्रेफर करती हूँ। सो दिस इज गोना वन एंड आई डोंट नो व्हाई। ओके एंड टाइम एक लास्ट टाइम अगर हार क्वेश्चन पूछो खत्म करो। नाउ द लास्ट आंसर विल डिसाइड इज द विनर ऑफ द फर्स्ट राउंड। हम चुके हैं, मेरे सारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। एनीवन मतलब इसका यही नतीजा निकलता है कि हम लोग दोनों ही जीत जाएंगे। बट ये तो मैं करने नहीं दूंगी। ओके लास्ट क्वेश्चन यू हैव सब लोग अपना पेन कॉपी पे रख ले। नो वन कैन स्टार्ट फर्स्ट फर्स्ट एकदम फर्स्ट फर्स्ट मेरे आप फ्रेंड्स के नाम बताएं। कितने? जब मेरा मन होगा मैं स्टॉप करवा दूंगी। Who can say it's Niketa? Niketa will be ashamed to see the handwriting. We are not doing handwriting test. You don't know the stenos. At last, I will show my decision to the public. Okay. So the decision which I came to is that my mummy Rani knows me better. Okay. And the winner will get the holiday package of Dubai 3 nights 4 days. Yes, but the thing is, it will be in dream, so we are very sorry. बट बोथ ऑफ यू नो मी वेरी वेल। मैं खुश हुई देख के, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप लोग सही आंसर भी दो। तमाम इसीलिए आज हम सबके पांव हाथ तुम दबाओगी इन ड्रीम। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग सम हायर स्टाइल्स। होप यू गाइस एंजॉयड द फर्स्ट फर्स्ट फैमिली व्लॉग। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे यस्टरडे। थैंक यू बाय गुड नाइट। एक ईमेल इस वीडियो में इंक्लूडेड थी। एक महा एनर्जेटिक, एक फेसेस वाले और एक आंसर ही सोचती रहेगी। सो गाइज बाय।